Hi, everybody. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर न्यू ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डिपेंड ऑन डिसिप्लिन काउंट ऑन कॉन्फिडेंस जॉयफुल बी द जर्नी फुलफिलिंग बी द फेट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ब्रैंड न्यू ईयर दिस इज फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज डे नंबर वन और आज पहले ही दिन में लेट हो गया सी कल से आई विल ट्राई की न्यूज पेपर थोड़ा जल्दी हम इसको आफ्टरनून में वी विल ट्राई टू ब्रिंक You will never feel 100% ready. You will never feel 100% ready. The idea is just do it. Today we are going to talk about all these important topics. See, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today, but today is a gift. देट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रजेंट ये कहा है मास्टर उगवेव ने सो दैट इज वाई यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी नो वन नो वन एंड नथिंग कैन कम इन बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी एक्सेप्ट यू टेक डेस्टिनी बाय द हॉर्न्स एंड हैव फन स्टडी फुल थ्रॉटल सी डे वन है न्यूज पेपर फॉर्मेट के कुछ पिलर्स हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ सी न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आज से 10 साल पहले भी यही स्टेटमेंट वैलिड था आज से 10 साल बाद भी यही स्टेटमेंट वैलिड होगा न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड्स हो सकती है कभी वर्क करेगी कभी वर्क नहीं करेगी कभी सर्टिन कोचिंग का मटेरियल पिक होगा कभी नहीं होगा बट द पॉइंट इज न्यूज़ इज फॉर न्यूज़ हमें डेली पढ़ना चाहिए इससे एक डिसिप्लिन आता है इससे हम वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स देखते हैं वाइड रेंज ऑफ टैम्पलेट्स रेडी होते हैं रेडीमेड मेड रेडी होते हैं अगर हम नोट्स पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है हम एक फ़िल्टर्ड ओपिनियन देख रहे हैं फिल्टर्ड टॉपिक्स देख रहे हैं बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्ट जो सोर्स है आप वहाँ से सारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में जो रेंज और टैम्पलेट्स मिलते हैं जो आइडियाज़ मिलते हैं स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसा जो एग्जाम है उसमें यही चीज़ काम आती है न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी लैंग्वेज सही होती है लैंग्वेज आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी होती है सो द आइडिया इज़ हमें बस कॉन्सेप्ट रटना नहीं है हमें ओवरऑल हमारी लैंग्वेज भी रिफाइन करना है सो दैट इज़ वाई न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्लस न्यूज़पेपर में वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल्स आते हैं टॉप डिप्लोमेट्स के आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आते हैं थिंक टैंक्स के आते हैं तो इनसे एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन रेडी होता है ओरिएंटेशन तो ये सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर बेनिफिट्स हमें देता है सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दिस इज द ट्रुथ यही सत्य है न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सेकेंड एवरी का मतलब होता है हमें रोज पढ़ाई करना चाहिए इससे एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो मोटिवेशन है जैसे आज डे वन है आज डे वन है सब ने न्यूज न्यूज ईयर रेजोल्यूशन लिए होंगे ये मोटिवेशन एक दिन होता है दो दिन होता है डेली नहीं होता मोटिवेशन इज़ नॉट फॉर एवर बट हैबिट और रूटीन इज फॉर एवर सो हैबिट और रूटीन पे रिलाई करना ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता हैबिट एंड रूटीन प्लस इससे करे जाता है फ़ियर को ओवरकम करने का यू हैव टू शो एवरी डे एंड यू बिकम ब्रेव एंड ये जो एग्जाम है ना ये एग्जाम बहुत हद तक एटीट्यूड का एग्जाम है एटीट्यूड का सो दैट इज वाई ये जो क्वालिटीज आती है कि डेली आप शो अप हो हो, रहे डेली आप पढ़ रहे हो दिस विल हेल्प यू अलॉट न्यूज़पेपर नोट्स के साथ पढ़ना चाहिए बट खुद से नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है सो दैट इज़ वाई इस फॉर्मेट में मैं आपको टैंपलेट्स देता हूँ नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ बिना नोट्स के पढ़ने का कोई यूटिलिटी नहीं है बिकॉज उससे रिवीजन नहीं होता फॉर एग्जांपल आप लास्ट मंथ में फिफ्टीन ऑफ दिसंबर में हमने क्या पढ़ा आप उसको तुरंत पी को गो थ्रू करके बता सकते हो इस दिन हमने ये पढ़ा था और ये इसकी लर्निंग्स हैं नोट्स है तो आपको नोट्स नहीं बनाने ये जो मैं पी आपसे शेयर करता हूँ इसके साइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो इफ़ यू फील कि ये भी ऐड होना चाहिए आप लिख लो अदरवाइज सेपरेट नोट्स नहीं बनाओ ये आपको इतना यूटिलिटी नहीं होगा सो so, रिवीजन करना ज़रूरी है और जो नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको आपको ऐड करना है दैट्स ऑल हेडिंग्स फोटोग्राफ्स एट्सट्रा जो न्यूज़पेपर में आप देखते हो ये अपने दिमाग में आप रखो माइंड में रखो और एज अ टैम्पलेट उसको यूटिलाइज करो इससे क्या होता है डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए हमें जो एज इट इज मटेरियल है उसी को फॉलो करना है रिवीजन में हेल्प होगा मैं बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सीधा सीधा स्क्रीन भी लगाऊंगा सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का तो उसको आप एक बार देखना और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस फॉलो करना सी न्यूज़पेपर स्पेशली यूपीएससी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है बट हमारा ये जो ब्रीफ होता है डेली ब्रीफ दिस इज़ प्राइमरली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन इन यू एग्जाम सो बहुत सारी चीज़ें ना फैंसी होती है उसका कोई यूटिलिटी नहीं होता है तो हमें स्ट्रिक्टली सिलेबस को ही फॉलो करना चाहिए फॉलो द सिलेबस रेंज और डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है सी ये जो सेशन होता है डेली बेसिस पे तो थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स एक ऑप्टिमल टाइम होता है बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए डेली बेसिस पे अदरवाइज उसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है सो व्हाट आई ट्राई कि इस थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर का रेंज भी कवर हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर हो और एक सर्टेन डेप्थ भी वहां पर कवर हो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको अपने एंड से भी होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज ये एग्जाम वैसे भी स्पून फीडिंग का एग्जाम नहीं है सो यू विल हैव टू डू सर्टेन होमवर्क जैसे मैं आपको वोकेबुलरी का कुछ बातें पांच बातें पांच वर्ड्स बता रहा हूँ गवर्नमेंट रिलेटेड सोशल मीडिया है क्विज डेली हो रहा है ब्रेन स्टॉमिंग हो रहा है आंसर राइटिंग हो रहा है इन सब चीज़ों को आप एक हैबिट की तरह फॉलो द प्रोसीजर फॉलो द प्रोसीजर ट्रस्ट द प्रोसेस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे ओके तो इन टोटैलिटी इस तरीके से न्यूज़पेपर हमें फॉलो करना चाहिए सो so, आज डे वन है एवरी डे बेसिस में टिकट एज अ चैलेंज हम न्यूज़पेपर देखेंगे और आप देखना हो विद इन अ मंथ आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा दिस डिसइनक्लाइंड होगी एग्जाम में और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे ओके सो दिस इज़ हाउ वी विल कवर अवर डेली ब्रीफ ये प्रिलिम्स 2023 का कोर्स है इसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा फर्स्ट राउंड में हम इसी कोर्स के विद इन हम कर रहे हैं कोर सब्जेक्ट्स आफ्टर नोटिफिकेशन अगेन इसी में मैं आपको आगे कॉन्टिन्यू कराऊंगा दिस इज राउंड टू उसमें रिविजन एटसेट्रा सारी चीजें हम देखेंगे टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट अब बात आती है क्लास टाइमिंग की तो पहले हमारा लाइव क्लासेस था वो एक ही 8 पीएम चल रहा था अभी हम मॉर्निंग में भी स्टार्ट करने वाले हैं सो वी विल हैव टू आवर्स का लाइव क्लासेस होगा वी विल स्कैड्यूलेट समथिंग लाइक दैट इसका मैं आपको कल बताऊंगा वी विल स्टार्ट विद दिस जोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंटिन्यू रहेगी थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट सीरीज इसका कल मैं एक स्टैंड अलोन वीडियो बना के आपको इसके डिटेल्स बताऊँगा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होना है जिसमें एक्चुअली में प्रिलिम्स कैसे निकालना है प्रैक्टिस 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 और ये सारे मैं आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू सारे करवाऊंगा ये सारे प्रैक्टिस सेशन ओके तो इसका डिटेल मैं आपको कल स्टैंड अलोन वीडियो में बताता हूँ तो इस तरीके से हमें डेली पढ़ना है टेलीग्राम क्विज जो है टेलीग्राम क्विज भी आप डेली फाइव एम अभी सॉल्व करो इसको मैं फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी फेबररी से इसको इंक्रीज करूंगा बट अभी आज की डेट में फाइव एम डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो सिमिलर इज वोकेबुलरी लैंग्वेज प्रोफिशियंसी बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इज इंपॉर्टेंट तो अपनी वोकेबुलरी पे हमें ध्यान देना है देन दिस इज है इसका मतलब लगनिचुअल वे ऑफ बिहेविंग एप्टीट्यूडलेज का मतलब होता है संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ आवर अथॉरिटी ओवर सम वन और समथिंग उनका प्रोटेक्शन है इमेटोर का मतलब होता है इजाजत एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सम थिंग एज सेटिस्फैक्ट्री डल सेट है मतलब आनंद कर है गिविंग प्लेजर और कॉन्टेंटमेंट टू द माइंड और सेंसेज देन गो मतलब एम्बार्गो लगा है व्यापार पे प्रतिषेध है अक्सर ये जो रिव्यूअर्स होते हैं इनको मोबाइल फोन मिल जाते हैं बट एक एम्बार्गो रहता है जब वो एम्बार्गो ओवर होता है देन ओनली दे कैन पोस्ट देयर वीडियो सो दिस इज एम्बार्गो सो आज के वर्ड्स हैं एम्बार्गो डलसेट इम्प्रम टूटलिज एंड दिस हैबिट्यूड अब ये आता है क्विज तो कल के आंसर्स के जो सवाल हैं उसके जवाब हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इंप्लीमेंट किया था माओ जेडोंग चेयरपर्सन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिबरेशन ऑफ चाइना 1949 आई एम द स्टेट कहा था लुई फोर्टीन ने फ्रांस के रॉबर्स पेयर था रीन ऑफ टेरर फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन का ये एक दौर आया था और वॉटर लोकेटेड है बेल्जियम में आज के सवाल है वे भागवतम इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट डिवोशनल फोक सॉन्ग कॉल्ड जिकिर जिकिर बिलोंग टू इंडियन स्टेट विच इंडियन स्टेट जिक्र द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज वॉट मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट कथकली डांस फॉर्म इज असोशिएटेड विद विच स्टेट ये जो सवाल है ना ये देखने में बहुत आसान लगते हैं और यही जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं एट टाइम्स हमारे ये गलत होते हैं और ये एग्ज़ाम हमें कॉस्ट करते हैं ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है सेलेक्शन होता है इजी और मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए तो ऑलवेज इजी और मीडियम क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए डिफिकल्ट नहीं बनता चलेगा किसी से नहीं बनता पर इजी और मीडियम गलत नहीं होने चाहिए अक्सर एग्जाम जो कॉस्ट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक या फिर एक बहुत बेसिक सा फैक्ट था जो सबको आता है बट आपको नहीं आता सो दैट विल कॉस्ट यू सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिक फैक्ट्स को आप रिवाइज रखना प्लस मैं एग्जाम फैक्ट सीरीज भी अभी पूरा कंप्लीट करूंगा हमारा दिस मेडाइवल एंड देन इसके बाद मॉडर्न इंडिया और फिर मैं पॉलिटी भी आपसे शेयर करूंगा टेलीग्राम पे उसको एक बार टैब रखना सिमिलरली सी सेट में भी हमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है थ्योरी एक बार आपने देख लिया अब उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस पे अपना एफर्ट डालो टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करिए आपको ज्यादा फायदा होगा जैसे प्रोग्रामिंग होती है आईटी कंप्यूटिंग में आप किताबें पढ़ते जाओ बहुत सारी कोडिंग की बुक्स पढ़ लो बट जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखोगे तब तक क्या आपका नॉलेज थोड़ा होगा नहीं होगा सो दैट इज़ वाई सॉल्व यू नो द थ्योरी सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन इज पॉसिबल ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है अब यहाँ एक केस स्टडी दिया हुआ है कि आप एक एस डी ओ हैं एक एरिया के अब आप बताइए आप इस केस में क्या एक्शन लोगे आपका चॉइस ऑफ एक्शन क्या होगा सिमिलरली यहाँ पे आप एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है और यहाँ आपका चॉइस ऑफ एक्शन क्या होगा डिसीजन मेकिंग तो ये दो सवाल हैं आज के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है ऐसे आज पहला दिन है पहला वीडियो है तो इसलिए मैं सारे जो भी वर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है और हम क्यों इसको इस तरीके से करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इन दी एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मीन्स में आपको लिखना पड़ेगा जो जितना बेहतर लिखेगा उसका सिलेक्शन होगा इट डजेंट मैटर आपका कितना एक्सपीरियंस है कितना क्वालिफिकेशन है जो ए फोर साइज के पेपर में आप लिख के इस पेपर में जो आप लिख के दोगे वही आपका सत्य है सो दैट इज वाई ये चीज हमें बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है आप लिखो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं स्कूल कॉलेज से दूर हो गए हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना चाहिए दिस इज वाई मैं इतना एम्फेसिस देता हूँ कि आपको लिखना बहुत जरूरी है अब जैसे डेली के सवाल हैं इन सवालों में जैसे आज का सवाल है टेन की एरियाज वेर इंडिया शुड फोकस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दस प्रमुख एरिया जिसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए दो हजार तेईस में अब दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन आप सोचो कौन कौन से वर्टिकल्स हो सकते हैं और उन सारे वर्टिकल्स को जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर के विदिन रखिए अलग अलग जो वर्टिकल्स हो सकते हैं जैसे हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया गवर्नेंस हो गया फॉरन अफेयर्स हो गया ऐसे थिंक अलग अलग आइडियाज और फिर उसको ऐसे ए फोर साइज़ का जो पेपर होता है उसमें ऐसे दो मार्जिन लिखिए डेट नेम एग्जाम या पेज नंबर ए फोर साइज ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा आंसर लिख के देखिए जब आप आंसर लिखोगे ना देन यू विल रियलाइज़ कि ये कितना ज़रूरी है ये इतना इम्पोर्टेंट है सी ऐसे बातें बनाना बहुत आसान होता है ए फोर साइज़ में जब आप लिखने बैठोगे देन यू विल रियलाइज़ हाउ डिफिकल्ट या फिर वाई दिस एक्सरसाइज इज ऑफ सो मच इम्पॉर्टेंस सो जस्ट ब्रेन स्टॉम एंड राइट डाउन राइट डाउन के बाद आप इसको स्कैन करो फोटो खींच लो फोटो फाइव एम से कम का होना चाहिए और डिस्कस में जाके अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करिए वेबसाइट में और शेयर कर दीजिए काम वर्क जब हम शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है तो कभी भी डरना नहीं है जस्ट शेयर स्टार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा स्टार्ट किया था तब इतने अच्छे आंसर्स नहीं थे बट विद इन अ मंथ आप देखो कितने अच्छे क्वालिटी आंसर्स वहाँ पे हो गए तो द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज हम स्टार्ट कब करेंगे शुरुआत करना आज का बहुत अच्छा दिन है डे दे वन है स्टार्ट दस एरिया बताओ जहां पे आपको लगता है इंडिया को प्राइमरली फोकस करना चाहिए दो में बड़ा आसान सा सवाल है टेन पॉइंट्स आप लिख के बताओ दस पॉइंट्स ही लिख दो पर लिखो स्टार्ट करो सो दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अब यहाँ सोशल मीडिया हम देखते हैं बिकॉज सी हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देट इज़ वाई हमें जो गवर्नमेंट जिन एरियाज में फोकस करने को एम्फेसिस दे रही है उन एरियाज को हमें पता होना चाहिए जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कल्चरल 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 ग्लॉसरी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जी ट्वेंटी में अभी क्या एम्फेसिस है लाइक like दैट सो दैट इज़ वाई ये सीरीज़ में हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो गवर्नमेंट हाईलाइट करती है उसको मैं क्यूरेट करके फ़िल्टर करके एग्ज़ाम सिलेबस के विद इन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ तो इस पर भी आप एक टैब रखो ये जो यू जैसा एग्ज़ाम है और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर नोट्स पर्टिकुलर हैंडबुक या पर्टिकुलर दो चार किताबों को पढ़ लिया और आपका हो जाएगा आपको अपने को 360 डिग्री 360 डिग्री हर एरिया हर एस्पेक्ट से करंट अफेयर्स गवर्नेंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ यू इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी सो so दैट इज़ इस पूरे सेशन में भी वॉट आई ट्राई कि इसमें सब मिल जाए इसमें सब मिल जाए जो रिक्वायर्ड है आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ओके तो ये चीज़ भी हमें देखना है इंटरेस्ट के साथ देखना है इन चीज़ों को इनमें डेवलप करो इंटरेस्ट जैसे देखो ये है कांची साड़ी अब इसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए क्यूरियोसिटी और ये ग्लास फुल एटीट्यूड भी नहीं रखना है हमें ग्लासफुल एटीट्यूड नहीं रखना है ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ट्राई टू लर्न कांचीवरम साड़ी आर मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क अभी मलबरी सिल्क कहाँ का है सिल्क के क्या और भी टाइप्स होते हैं ऐसे इनक्यूजिटिवनेस लाना है थ्रेड इन तमिलनाडु का है ये इसका बॉर्डर होता है पल्लू होता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर का हैवी गोल्ड होता है इसमें वीविंग कंसिस्टिंग डिजाइन इंस्पायर्ड बाय साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स तो ये है कांचीवरम साड़ी कांचीवरम साड़ी जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है जीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थाउजेंड में तो इसको जी टैग भी मिला हुआ है तो ये क्या हुआ कांचीवरम साड़ी अब आप हैं सत्येंद्र नाथ बोस जी आपकी बर्थ एनिवर्सरी है फर्स्ट जनवरी 1894 तो आप पायोनियर हैं इंडियन फिजिस्ट हैं मैथमेटिशियन हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में और समथिंग जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एट्सेट्रा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर वर्क किया है तो आप है सत्येंद्र नाथ बोस जी अब लुक एट दिस पेंटिंग ये पेंटिंग जो है ये मिथिला रीजन की है बिहार ये मधुबनी पेंटिंग है विजुअल डिलाइट है प्राइमरली इसमें ब्लू ग्रीन पिंक ऑरेंज रेड जो होता है एम्फेसिस है फिजिकल फीचर्स में आइज जैसे मधुबनी पेंटिंग की आईज देखो दीज आर लाइक एक टिपिकल पैटर्न है यहाँ पे तो ये है मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार तो सी अब जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने बताए कांचीवरम सत्येंद्र नाथ बोस जी और यहाँ पे मिथिला रीजन तो दो समटाइम्स मैं बहुत जल्दी जल्दी जो लिखा है उसको पढ़ के आगे आप बढ़ रहा हूँ बट द पॉइंट इज दिस इज़ वेरी इजी और इससे क्या करना है हमें रेंज कवर करना है बहुत सारा अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है फिर ये सारा अननेसेसरी डिस्टॉर्ट होने लग जाती है चीज़ें सो दैट इज़ वाई वी स्टिक टू वॉट जो ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे बताया हुआ है तो देखो अब ये कांचीवरम आपके पास नोट्स भी हैं इसको एक बार आप गो थ्रू करना कांचीवरम सत्येंद्र नाथ बोस जी और ये मिथिला रीजन की बिहार की पेंटिंग सिमिलरली ये देखो ये है डोंगरिया शॉल डोंगरिया शॉल तो ये डोंगरिया शॉल है उड़ीसा की यहां पर शॉल है है वुवन ऑफ शीट में वाइट शीट में जैसे चद्दर सिग्नेचर ट्रायंगुलर पैटर्न होता है इसमें ट्राइंगुलर पैटर्न होता है और इसमें मोटिफ भी होते हैं ट्रेडिशनल क्लोथिंग है नाम याद रखना है डोंगरिया शॉल कहाँ की है उड़ीसा की एक डोंगरिया कुंड ट्राइब भी है ये कहाँ की है टेल तो ये है कपाड़ा गांडा शॉल और जिसको डोंगरिया शॉल बोलते हैं इसको निडल और कलरफुल थ्रेड से बनाया जाता है एंड दिस इज अगेन वेरी पॉपुलर अब उड़ीसा की बात है तो आज उड़ीसा के क्विजीन भी देख लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये है छेना पुडो ये है बर्न कॉटेज चीज से बना हुआ है सो दिस इज अमेजिंग जैगरी है और लॉर्ड जगन्नाथ को यहाँ पर ये सर्व किया जाता है सिमिलरली है महाप्रसाद एट पुरी कल्चर so, हमें पता famous जो स्टेट है वहां की कौन सी फेमस डिशेज है सो लेट एस डू दिस एक्सरसाइज आप बताओ आपके स्टेट का सबसे फेमस क्विजीन क्या है सबसे फेमस क्विजीन क्या है जैसे राजस्थान का है दाल बाटी चूरमा तो यह उड़ीसा का है अब ये है पोखालो पोखालो भी उड़ीसा में अब ये राइस है इसको फर्मेंटेट किया गया है वाटर में और फिर इसमें करी लीव्स और क्यूमिन सीड्स के थ्रू ऐसे बनाया जाता है तो दिस इज अगेन डिलीशियस तो ये होगा क्विजीन ऑफ दिस उड़ीसा सिमिलरली ये जो लाइफ मिशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ रिसाइकल एंड री यूज इज एविडेंट फ्रॉम कॉमन इंडियन हाउस होल्ड प्रैक्टिस हमें हमें ना मटेरियलिस्टिक नहीं होना है जैसे अक्सर हम बोलते हैं हर दिन नए कपड़े दिस एंड दैट विच इज ओके बट रिपीट करना भी इज नॉट बैड रिपीट करना भी इट्स नॉट बैड पर से हमें हमें रिड्यूस करना है रीयूज करना है रिसाइकिल करना है रिड्यूस री यूज रीसाइकल अदरवाइज ये जो वेस्ट होता है इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है डंपिंग का वेस्ट डंपिंग और वेस्ट डिस्पोजल का तो रिसाइकल्ड एंड री यूज इज अ गुड थिंग इज इट इज अ गुड थिंग सो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया अपडेट तो इस तरीके से वी विल क्विकली गो थ्रू दिस दिस एवरीडे बेसिस में ऐसा हम न्यूज पेपर ब्रीफ कंटिन्यू करेंगे प्लस बात आती है द हिंदू न्यूज़पेपर की तो प्राइमरली हम कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं सारे न्यूज़पेपर एक जैसे ही होते हैं सारे पेपर ऑसम होते हैं चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो द हिंदू हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो हिंदुस्तान टाइम्स हो ऑल न्यूज़पेपर्स आर रियली गुड हमें बस हमारे सिलेबस की चीज़ों को उससे पिक करना है आज नहीं तो कल न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो ही जाती है इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सारी कवर हो ही जाती है आज नहीं तो कल आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपीट हो जाता है प्लस जो न्यूज़ होता है ये ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन आपको कंप्लीट पिक्चर वहाँ पे मिल जाएगा

अब देखो यहां वर्ड है सिम इन सुंदरबन श्रिम्प फार्मर्स नाउ लुक आफ्टर मैनग्रूव एज वेल तो श्रिम्प है और श्रिम्प के साथ साथ मैनग्रूव भी है सिम्बायोसिस क्या होता है प्लस प्लस इसको भी फायदा इसको भी फायदा दोनों को फायदा हो रहा है साइमल्टेनियसली यहाँ पर ग्रो करने पर तो दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशन आप हैं पोप एमेरिटस तो अभी 95 ईयर एज थे अभी रिसेंटली पास्ट है फुली डिजिटल गवर्नमेंट ऑफिसिस अब हो रहे हैं तो स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी सारे ऑफिसिस अभी डिजिटाइज होने वाले हैं विमेन ब्रेक न्यू ग्राउंड इन एमजी नरेगा तो सी एमजी नरेगा में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है टेन ईयर हाई पर है बिहार यूपी में हाई प्रोपोर्शन ऑफ विमेन वर्कर एमजी नरेगा का वर्क कर रही व्हाट इज एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गारंटी मतलब आपको राइट टू वर्क कार्य का काम करने का आपको एक अधिकार है आप हक से मांग सकते हो कि मुझे वर्क चाहिए और गवर्नमेंट आपको वर्क प्रोवाइड करेगी हंड्रेड डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट होगा नॉन स्किल्ड लेबर में होगा नॉन स्किल लेबर मतलब एनी कैन डू प्लस यहाँ पर एवरी एडल्ट हाउस होल्ड को ये एक हक के थ्रू ये हंड्रेड डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अंडर एम जी नरेगा नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर कॉम्पनसेशन भी देगी और ये वर्क बहुत घर के आस पास ही होगा से फाइव किलोमीटर रेडियस में लाइक like दैट तो वॉट इज द प पर प पर पर्पज़ ऑफ दिस एम जी नरेगा द पर्पज़ इज कि हर किसी को एटलीस्ट हंड्रेड डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट मिल जाए इससे क्या होता है ये एक्ट करता है एज अ बफर एज अ सेफ्टी नेट कि आपके पास एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो थो रहेगा अगर आपको बेटर वर्क नहीं मिल पा रहा है तो तो दिस इज एम जी नरेगा तो एम जी नरेगा का लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और इतने प्रतिशत यहाँ पर वुमेन है फिफ्टी सेवन पॉइंट एट परसेंट वुमेन है अब इसको रीड इन बिटवीन द लाइन्स करेंगे तो इसके बहुत सारे दूसरे रीजन भी हैं जैसे कुछ रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि वुमेन पार्टिसिपेशन बेटर है केरला में कम है और इस तरीके से डेटा है अब अपसी रीज़न ये भी एक होता है कि अक्सर जो मेल वर्कर है उसको आउटसाइड एम जी नरेगा ज़्यादा बेटर वेजेस मिल रहा है तो वो एम जी नरेगा में नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे उसको पैसा कम लग रहा है दिस कुड बी वन रीजन तो ये है ओपन मार्केट में बेटर पेड है तो वो एम जी नरेगा में नहीं आ रहा है मेल वर्कर दिस कुड बी वन रीज़न बट अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एम जी नरेगा का क्रिटिसिजम भी होता है लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है रिपीटेटिव वर्क है कई बार यहाँ पे डिले इन पेमेंट भी हो रहा है बट एम जी नरेगा गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट हमने देखा है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं एम जी नरेगा को सपोर्ट करते हैं सिटी रेस्ट्रॉ इन लग्जरी होटल्स टू स्टे ओपन ट्वेंटी फोर सेवन तो ट्वेंटी फोर सेवन यहाँ पे ओपन होंगे अगेन इकोनॉमी जैसे कुछ दिन पहले हमने ब्रेन स्टॉमिंग किया था कि क्या नाइट लाइफ अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और आपने इतने अच्छे से पॉइंट्स बताए कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है इकॉनमी में बेनिफिट होगा प्लस हम रिस्ट्रिक्टिव नहीं है हम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर अननेसरी पुट नहीं करते हैं गवर्नमेंट मोरल पुलिसिंग भी नहीं करती है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू विशु वेरी हैप्पी न्यूर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो देखिए इस तरीके से ये फ्रंट पेज हो गया हमें न्यूज़पेपर में हमारे सिलेबस को फॉलो करना है और सिलेबस का भी क्या है जी एस वन टू थ्री फोर ये सारा सिलेबस एक बार आप अपने हाथों से लिख लो ईयर स्टार्ट हो रहा है ये चीज़ आपको बतानी नहीं पड़नी चाहिए आपको टिप्स में खुद ही याद होना चाहिए कि देखो ये पॉलिटी आ गया ये ज्योग्राफी है ये हिस्ट्री है ये इकोनॉमिक्स है ये गवर्नेंस है ये सोसाइटी है यू हैव टू रीच दैट लेवल यू हैव टू रीच दैट लेवल सो आज ही जी एस वन टू थ्री फोर सारा सिलेबस बहुत अच्छे से लिख के आप रेडी कर लो और उसको फॉलो करना है साल भर उसको हमें फॉलो करना है ईयर न्यू बूस्टर बार्स रेस्टोर लग्जरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर हो गया रेस्टोरेंट्स like तो यहाँ पे क्या हो गया एम्प्लॉयमेंट हो गया लाइफ हो गया जीएसटी इकोनॉमी टैक्सेशन वगैरह हो गया बार्स इन दिस लग्जरी होटल्स तो अगेन सोसाइटी इकोनमी फॉरेन डिस इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा अब यहाँ पर ट्वेंटी फोर सेवन ओपन है मतलब इसमें गवर्नेंस भी आ गया कि इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें कुछ हिस्टोरिकल लेगेसी भी आ सकती है हमारी प्लस जो हमारी सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन प्लस इसमें एथिक्स भी आ गया जी एस सो वट आई एम ट्राइंग टू से इंस्टेड ऑफ़ ये चीज़ स्पून फीड करने के बजाय आप अपने सिलेबस को जीएस एस वन टू थ्री फोर बहुत अच्छे से याद करो और फिर देखना न्यूज़पेपर में तब आप इस तरीके से इसको फॉलो करोगे ना यू विल हैव लाइक रेडीमेड टैंपलेट्स रेडीमेड टैंपलेट्स और ये ऐसे आपको रेडीमेड टैंपलेट्स को यूज़ करना आएगा और फिर देखना आपका दिस जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ब्रेन है वो नेक्स्ट लेवल का होगा ओके तो ग्रेजुअली इसमें हमें एफर्ट्स डाल लें अब देखो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड क्या इशूज़ आएंगे क्या चैलेंजेस आएंगे अब आप ही यहाँ के एस हो और आपसे पूछा जाएगी ये ओपन रखना चाहिए या नहीं

आपको सजेशन अगर कभी आपसे मांगा गया नाइट लाइफ या फिर 24/7 ओपन होना चाहिए या नहीं यू कैन डायरेक्टली यूज दिस दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन गवर्नमेंट डिसीजन इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आए वगैरह तो इससे क्या होगा आपका जो आइडिया है उसका एक वेटेज भी आएगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहां पर इस तरीके की चीज को ट्राई किया है ओके okay? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज दिस इज रिंगिंग इन द न्यू ईयर अब एंटिसिपेशन है तो कर्तव्य पथ है ये कर्तव्य पथ है दिस इज़ सो ब्यूटीफुल अब कर्तव्य पथ कहाँ पर है इसका भी रीनेम हुआ है रीनेम हुआ है तो ये इंडिया गेट है फिर प्रेसिडेंट हाउस है तो यहाँ पर अभी बहुत सारे दिस सेलिब्रेशन का था मोड था बट यहाँ पे कोविड नाइन्टीन का भी एक अभी भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है अब देखो दिल्ली पुलिस मतलब कि यहाँ पर गवर्नेंस से रिलेटेड बिकॉज अक्सर न्यू ईयर और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ इवेंट्स हैं बहुत सारा क्राउड हो रहा है अक्सर डिफिकल्टी आती है तो पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है तो अब इस न्यूज़ को आपने किस फॉर्मेट में देखा यू आर आर यू पी तो आपने इस न्यूज़ को केवल विजुअल्स ही नहीं आपने इसको हमारे सिलेबस के विधन में देखा तो ऐसा हमें आगे करना है Similarly LG lays foundation for 17 new replicas at भारत दर्शन पार्क तो हमें पॉलिटी पढ़ना है हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है वो हमारा सिलेबस नहीं है अब पॉलिटी मतलब we will learn about the post of LG, we will learn about the post of Chief Minister, and what is this Bharat भारत दर्शन भारत दर्शन आप जब सेलेक्ट होते हो तो आपको मसूरी से ऐसे भारत दर्शन पर भी ले जाया जाता है तो ये एक रेप्लिका है रेप्लिका. तो यहाँ पे क्या है वेस्ट टू आर्ट तो जो वेस्ट है उससे हमने कॉन्सेप्ट पार्क बना दिए बहुत सारे जैसे कुतुब मीनार का रेप्लिका है ऐसे सारे रेप्लिका बने तो ये क्या है भारत दर्शन ताजमहल विक्टोरिया मेमोरियल मैसूर जलियावाला गोवा का बेसिलका ऑफ बॉम देन सिक्किम का रोमटेक मोनेस्टरी है ये सब है यहाँ पे दिल्ली में अगर आपके पास एक्सेस है तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए और द गुड थिंग इज कि ये सब वेस्ट से बना हुआ है वेस्ट से बना हुआ है तो इस तरीके से हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर दिया यहाँ फुटफॉल होगा और वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा वेस्ट डिस्पोजल भी हो गया सो दिस दीज आर आइडियाज दीज आर आइडियाज इस तरीके से जब कई बार आपसे पूछा जाता है कोई इनोवेटिव सजेशन दो तो वहाँ पे थ्योरी लिखने के बजाय अगर किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि जैसे दिल्ली में है भारत दर्शन के रेप्लिका वो स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स फेच करेगा इसी को बोलते हैं एनरिचमेंट और ये एनरिचमेंट कहाँ से आता है न्यूज़पेपर से आता है सो दैट इज वाई न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो so सी इतने मैट्रिक टन है यहाँ पर और ये सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई तो दिस इज रियली गुड अब ये जितने भी नोट्स हैं ना इंपॉर्टेंट ये सारे मैं यहाँ पे स्क्रीन भी दे रहा हूँ आपको सो दिस विल बी विद यू फॉर योर रेफरेंस अगेन आपको पूरा प्रोसेस दिस वीडियो का नहीं देखना पड़ेगा आप उससे रिवाइज कर सकते हो सारे जो नोट्स हैं अब देखो कॉट ट्वेंटी टू ड्रोन्स विद वेपन ड्रग्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अक्रॉस बॉर्डर तो देखो इतना जो अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है लीगल एक्टिविटीज़ है हमारी बी एस एफ एक्टिवली वहाँ पे तैनात रहती है तो बी एस एफ ने ऐसे ड्रोन को गन डाउन किया और इसको यूज़ किया जा रहा था क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान ऑल टाइप ऑफ दीज रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए तो दिस इज अगेन सिक्योरिटी प्लस जैसे यहाँ पे इसका वर्ड दिया हुआ है दिस सो so, इससे सोसाइटल रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पंजाब में हम अक्सर देखते हैं ड्रग्स का काफ़ी दिक्कत होती है क्रॉस बॉर्डर जो है हमारे स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स है वहाँ पर इस टाइप की बहुत डिफिकल्टीज़ देखने को मिलती है तो दिस इज़ अगेन टॉपिक ये एग्जाम अगेन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर हम ओपन माइंड होके क्योंकि अब सिलेबस देखो प्रलिम्स का उसमें ये लिखा हुआ है वी डू नॉट वांट स्पेशलिस्ट वी डू नॉट वांट स्पेशलिस्ट वी वांट अ जनरलिस्ट जिसको वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स का नॉलेज है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स का तो हमें किसी भी एक टॉपिक में ऐसा उस पी लेवल तक नहीं जाना है हमें रेंज पे भी बहुत कवर करना है और उस रेंज का एप्लीकेशन भी देखना है विद इन द सिलेबस ओके और लिखना आना चाहिए राइटिंग आना चाहिए अदरवाइज आपको बहुत सारी चीज़ें आती होगी बट आप उसको लिख ही नहीं पाओगे लिख ही नहीं पाओगे तो फिर अगेन यूटिलिटी no, no इतना सारा पढ़ने का जब आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हो तो, तो that is why लिखना भी बहुत जरूरी है सो गुलमर्ग रिजॉर्ट गुलमर्ग नाम से दैट इज टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर विंटर टूरिज्म तो ये गुलमर्ग में इस तरीके से इसकी रेजॉर्ट है देन यहां पर है कोट्टायम शोकेस कर रहा है टैलेंट तो विजिटर्स हैं यहां पर और विजिटर्स ये केरला का कोट्टायम है अब केरला मतलब बैक वाटर्स बैक वाटर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गॉड जोन कंट्री सो केरला इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर विमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन है यहाँ पे क्योंकि अक्सर क्या होता है जैसे वुमेन सोलो ट्रेवलर है इफ़ दे आर ट्रैवलिंग टू तो सर्टेन प्लेस तो वहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें वहाँ पे लाइक नॉर्मल होना चाहिए वहाँ पे नॉर्मलाइज होना चाहिए सो टूरिज्म पैकेज है यहाँ पे अकोमोडेशन फूड कम्युनिटी आज ये सब बहुत अच्छे से विमेन के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है सो अगेन व्हाट इज़ दिस दिस इज अ टेम्पलेट विमेन फ्रेंडली टूरिज्म अब एक सवाल आता है जेंडर पैरिटी जेंडर दिस का और बाकी सारे स्टूडेंट्स रेगुलर पॉइंट्स लिख रहे हैं एक स्टूडेंट ने ये एग्जाम्पल लिखा कि जैसे ये कोटायम में विमेन टैलेंट के लिए विमेन फ्रेंडली टूरिज्म है तो हु विल फेच द बेटर मार्क्स दिस स्टूडेंट विल फेच द बेटर मार्क्स बिकॉज इसने एप्लीकेशन लिखा है उस चीज़ का एप्लीकेशन लिखा है तो ये एक आइडिया है और ये न्यूज पेपर से ही आता है देन दिस इज़ गुड मोस्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिस लाइकली टू गो फुल्ली डिजिटेबल डिजिटल बाय फेब्ररी तो अगेन वी आर प्रो टेक्नोलॉजी हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है ऑल दो चैलेंजेस हैं साइबर अटैक्स हैं रैनजम वेयर अभी एम्स में हो गया था बहुत प्रॉब्लम हुआ था बट ऑफिस इज द फ्यूचर ई ऑफिस इज द फ्यूचर और ये डेवलप किया जा रहा है बाय एन आई सी एन आई सी ये जितने भी मेल्स वगैरह होते हैं ना ये सारे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर होता है हमारे यहाँ सरकारी विभागों में एक समस्या और आ रही है कि सरकारी विभाग वाले जी मेल यूज कर रहे हैं या कोई प्राइवेट मेल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं फॉर दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग सेकेंड व्हाट्सएप पे फाइल्स वगैरह फॉरवर्ड हो रहे हैं दिस इज अगेन हमेशा जो ऑफिशियल एन का मेल है सरकारी मेल है उसी में आपको यूज करना है ऑफिस तो रैंडम वेयर अटैक होते हैं जिससे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एक डेडिकेटेड हमारा दिस है डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल टाइप ऑफ लाइक साइबर अटैक्स को टेकल करता है उसको डील करता है ओवरकम करने पर और बताया है कि 2022 पोस्ट कोविड दिस टाइप ऑफ अटैक्स बड़े हैं तो दिस इज़ देयर और कैग एंड दिस यहाँ पे बताया इतने सारे ऑफिसज हैं अभी थर्टीन ऑफिसेज येट टू तो माइग्रेट है तो ई ऑफिस में भी दो टाइप की फाइल्स होंगी एक होगी क्लासीफाइड फाइल्स क्लासीफाइड फाइल्स मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होगा वॉट इज दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन यू टेल व्हाट इज़ दिस अक्सर होता है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वाट इज़ दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सोशल मीडिया में भी आजकल ये आ गया है तो जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं उसमें ये यूज होगा नॉन क्लासिफाइड फाइल्स में हम सिंपल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ई सिग्नेचर भी वहां पर होगा तो द आइडिया इज कि डिजिटल तो फ्यूचर है और ग्रेजुअली हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे हमें इसको फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोसेस टू बाय हंड्रेड मोर के नाइन वज्र तो हंड्रेड के नाइन वज्र ये सेल्फ प्रोपेल्ड होविडजर है तोप है ये बिल्ट होगा इंडिया में लार्सन एंड टूर्बो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साउथ कोरियन डिफेंस मेजर दिस हानवा डिफेंस कंपनी लिमिटेड से तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये क्या है हॉविटर है तो लद्दाख में जैसे अभी टेंशन हुआ एल में भी टेंशन होता है तो ये गन्स काफी इफेक्टिव होती है के नाइन एम ट्रिपल सेवन अल्ट्रा लाइट होविडजर अब सवाल कैसे आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस के नाइन वज्र इज इट अ टैंक वट इज दिस सो यू है के नाइन वज्र जो होता है ये एक होविडजर गन है ओके ये डेजर्ट्स में भी काफ़ी इफेक्टिव होती है माउंटेन टेरेन्स में बहुत इफेक्टिव होती है दे आर वेरी रिलायबल एज वेल और इनका जो दिस सर्विस एट्सेट्रा है वो भी इसमें हमें वर्कआउट करना पड़ेगा तो ये जो स्टैंड ऑफ़ हुआ है स्पेशली हमारा हिमालयन जो जोन है वहाँ पर इधर लाइक टू, टू टू कंट्रीज टू टू वॉर्स भी अगर हुआ तो हमें वेल प्रिपेयरड होना ज़रूरी है तो ये है के नाइन वज्रा देन फॉल्ट लाइन है नॉमिनेशन है एन आई ए है देन दिस इज पॉलिटिकल ई पी एफ ओ का सर्क्यूलर है अब हम आते हैं मैनग्रोव में तो श्रिम्प होते हैं और मैनग्रोव्स होते हैं ये को एग्जिस्ट हो रहे हैं सुंदरबन में तो देखिए इस तरीके से श्रिम्प भी बन रहे हैं सुंदरबन राइट और श्रिम्प कैल कल्टिवेट हो रहे हैं मैनग्रोव्स एरिया में तो दिस इज रियली गुड इससे क्या हो रहा है सिम रिलेशन हो रहा है एक्वा कल्चर इज ऑन राइज तो सस्टेनेबल श्रिम्प का है मैंग्रोव रीस्टोरेशन सुंदरबन में और श्रिम्प कलेक्शन वगैरह सब यहाँ ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है अब ये क्या है सस्टेनेबल एक्वा कल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम कुछ दिन पहले मैंने मैनग्रोव का एक माइंड मैप शेयर किया था हैव तो द पॉइंट इज कि मैनग्रोव्स आर रियली ऑसम मैनग्रोव्स बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेचर दिस क्लाइमेट सर्विस देते हैं तो ये श्रिम्प हो गया ये पॉन्ड्स हैं ओके पॉन्ड्स में इनका दिस श्रिम कल्टीवेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ मैनग्रोव भी वहां पर है तो अगेन जैसे एक्वाकल्चर है या फिर हमने मत्स्य योजना भी पढ़ा था व्हाट इज मत्स्य योजना प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट नोट मत्स्य संपदा योजना हमने देखा था तो द पॉइंट इज इंडिया की इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है और हम एक्वाकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते एक्वा कल्चर फिशरीज एट्सेट्रा को सो दिस इज रियली गुड इंडिया एबसटेन हुआ फ्रॉम वोटिंग ऑन यू एन रेजोल्यूशन ऑन इजराइल अब इसमें भी इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं हमारा जो पॉइंट ऑफ लाइक जो डायरेक्शन होता है जो लाइन ऑफ थॉट्स होता है वो होता है जो ऑफिशियल एम ई ए बोलता है तो वेन एवर इट कम्स टू तो इजराइल और दिस फलस्तीन का इशू तो ये जो सोशल मीडिया एक्टिव टाइप बात है ये नहीं करनी है हमें हम गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइन को फॉलो करेंगे और वो ये बोलता है कि वी बिलीव इन टू स्टेट थ्योरी बिलीव इन टू स्टेट भी 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 होगा भी होगा होगा मतलब होगा और वेस्ट बैंक दोनों मतलब अब देखो इसका भी एक पुराना हिस्ट्री है एक जायन है एक मूवमेंट होता पहले नाम का कंट्री था था नहीं बट एरिया क्लेम था कि तो होमलैंड चाहिए और फिर वो होमलैंड यहां पर इसराइल बना अब ऑलरेडी इस बिटवीन जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी पैलेस्टीन की वो श्रिंक होने लग गई तो आज की डेट में पैलेस्टीन यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप और एक है वेस्ट बैंक ये वेस्ट बैंक तो यहाँ दो पैलेस्टीन है और बीच का जो पूरा एरिया है ये इजराइल है यहाँ टॉप में लेबनान है ये गोलन हाइट्स हैं जो सीरिया के साथ यहाँ पर है सीरिया के साथ गोलन हाइट ये सी ऑफ गैलीली है और ये जॉर्डन रिवर है फिर ये यारमोक है जैबॉक रिवर है ये जॉर्डन रिवर है ये है डेड सी और ये जॉर्डन है सी so इजिप्ट हो गया जॉर्डन हो गया यहां पर से इधर दिस लेबनान हो गया दिस इज सीरिया ओके अब बताओ इसको डेड सी क्यों बोलते हैं डेड सी क्यों बोलते हैं इज इट बिकॉज यहाँ पे लाइक समथिंग डेड नो वाई इट इज कॉल्ड डेड सी वाई इट इज कॉल्ड डेड सी वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ डेड सी और ये जो है इस वाटर बॉडी का भी नाम बताइए यहाँ जो ये वाटर बॉडी आ रही है वट इज दिस वाटर बॉडी सो so, ये है इसराइल अब देखिए इससे हमारा मैपिंग भी तैयार हो गया सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूज़ अब हमने यहाँ पे एब्सटेन किया है बिकॉज अक्सर इस टाइप के जो मैटर आते हैं कि इसराइल अट्रॉसिटीज़ है फलस्तीन में या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सेट्रा हम यूजअली हमारा यहाँ पे दिस यूनाइटेड नेशंस में ये स्टैंड रहा है कि हम वहाँ पर एबसटेन ही हो जाते हैं मीटिंग वोटिंग से ही एब्सटैंड हो जाते हैं तो दिस इज़ दैट India won't allow in LAC. अभी जयशंकर साहब ने बोला है तो एग्जैक्टली exactly यही लाइन ऑफ थॉट होगा कि हम यूनिलेटरल चेंज एल एस सी में अलाउ नहीं करेंगे एल एस सी में जो बीजिंग का दिस नेफेरियस डिजाइन नजर आ रहा है वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज कोर एरिया में टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कोई जगह नहीं है कोविड नाइन्टीन के बाद स्पेशली मिस्टर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन में शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया वुल्फ है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी और मिलिट्री माइट भी है अभी एल एस तवांग सेक्टर में भी हमारा क्लैशेज हुआ गलवान में क्लैश हुआ सो अगेन हमें यहाँ पर जरूरी है कि एक तो हम बेटर वेल प्रिपेयर्ड रहे बट एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेटिक और दो टॉक्स के थ्रू चैनल्स होते हैं वो भी ओपन रहना चाहिए सी वी वॉन्ट गुड नेबर वी वॉन्ट गुड नेबरली रिलेशन विद एवरीबडी बट गुड ने रिलेशन डजेंट मीन एक्सक्यूजिंग और लुकिंग अवे और रैशनलाइजिंग टेररिज्म सी वी आर गुड बट देट ड मीन की हम इसको इग्नोर करेंगे रिगार्डिंग दैट वी आर वेरी क्लियर तो एक बाउंड्री ड्रॉ करना जरूरी है बाउंड्री ड्रॉ करना जरूरी है यू आर गुड बट अगर उस गुड का मिस यूज हो रहा है देन एक बाउंड्री डिसाइड करना जरूरी है

Pope Pope तो पह पहले पोप थे जिन्होंने रिजाइन किया था एंड अभी रिसेंटली पास शेयर डेटा डब्ल्यू एच ओ अर्जे चाइना एट टॉक्स ऑन कोविड नाइनटीन अब चाइना से भी डिफिकल्टी क्या है नॉट ट्रांसपरेंट नॉन ट्रांसपरेंसी ईरान साइंस एंड टेक अब साइंस एंड टेक में कई बार आर्टिकल्स बहुत इलेबोरेट होते हैं नॉट रिक्वायर्ड और स्पेशली जो कोविड नाइन्टीन रिलेटेड आर्टिकल्स है बिकॉज इसमें डे दिनों दिन चीज़ें बदल रही है अभी भी हमें नॉलेज नहीं है अब इवन कोविड नाइन्टीन एक्सपर्ट्स को भी फॉलो करो बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस सिंस डे वन डे वन फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी तो इतने सारे आर्टिकल्स देखने के बाद दो तीन वेव्स देखने के बाद चाइना को भी एक टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा था कि लुक एट चाइना मॉडल चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी चाइनीज वैक्सीनेशन आर सो गुड दिस एंड दैट नाउ सी सो द पॉइंट इज कि ये जो कोविड नाइन्टीन का जो मैटर है इसमें वेट एंड वॉच इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमें अलर्ट रहना चाहिए कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए दैट्स ऑल देन ये है माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट छह बच्चों में किया और वो काफी प्रोमिसिंग लगा तो दिस इज रियली गुड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इन्हें पावर हाउस बोला जाता है सेल का अब ऐसी चीजों के लिए हम एक मैप देख लेते हैं एक्स्ट्रा चीजें फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एनिमल सेल है ये एक सेल है सेल एक यूनिट है स्मॉल यूनिट है इस यूनिट के अंदर भी बहुत सारे कॉम्पोनेट्स हैं जैसे ये राइबोसोम्स हैं सिलियम है सेल मेम्ब्रेन है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है फिर सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर पो न्यूक्लियोस दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलअप ये सेल के अंदर है इसके अलावा एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है साइटोप्लाज्म अब आप क्या करना दिस इज बायोलॉजी की एक बुक है जो क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ एनसीआर है उससे एक बार ये एनिमल सेल का चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो यहाँ प्राइमरली जो बात किया गया है वो बात किया है माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एसेंशियल है फॉर एनर्जी जनरेशन एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं इसे एनर्जी जनरेशन तो कुछ बच्चों में जो डिफिकल्टी है तो स्टेम सेल्स होते हैं अब स्टेम सेल्स प्लोरीपोर्टेंट होते हैं वो दूसरे चीजों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं सो द पॉइंट इज कि इसके थ्रू अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गया है हमने ट्रांसप्लांट करने की कोशिश किया और वो सक्सेसफुल नजर आ रहा है ये है एल लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है इससे हम कोशिश कर रहे हैं सब एटॉमिक लेवल के एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ढूंढने की तो सर्न यूरोप में है ये जीनीवा स्विट्जरलैंड में और हमने यहाँ पे हिंट मिला है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स वेनिश अंडर एल तो अगेन दिस इज अ थ्योरी वैक्सीनेशन रेट्स फॉल इट इज टाइम टू रिवर्स दैट ट्रेंड वैक्सीनेशन अच्छी है यहाँ पे ये यह ओपिनियन है फ्लाइंग स्नेक अब सी फ्लाइंग स्नेक से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है जैसे कल हमने बायोमिमिक पढ़ा था बटरफ्लाई का ये जो फ्लाइंग स्नेक है बिकॉज यू नो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो हमिंग बर्ड एक होती है उससे हमने इंस्पायर होके बनाया ऐसे करके हमारी बहुत सारी अगर आप साइंस देखो ना जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन कैसे बना दिए बर्ड्स को देख के तो हमने बहुत ज़्यादा बायोमिमिक किया है मतलब हमने नेचर में एक कॉन्सेप्ट को देखा बिकॉज नेचर इज़ अगेन जीनियस साइंटिस्ट उसने इवॉल्व किया है ऑर्गेनिज्म को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो उनसे आइडियाज़ लेके हम हमारी इन्वेंशन टेक्नोलॉजी में ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये फ्लाइंग स्नेक है ये बड़े अच्छे से ग्लाइड होता है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पर तो इसका क्रॉस सेक्शनल शेप को हम स्टडी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम इंजीनियरिंग करेंगे किस तरीके से हमारा डिजाइन होना चाहिए ताकि हम लॉन्ग रेंज ऐसे ग्लाइडर्स बना पाए कम उसमें स्ट्रीम हो फ्रिक्शन कम हो रेंज ज़्यादा हो दिस इज मैलन कोकुम्बर एंड यहाँ है हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क अब इस आर्टिकल में बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं हमारे काम का केवल एक ही बात है यहाँ पे कि जो फूड सिक्योरिटी है वो एक मस्ट है फूड सिक्योरिटी इज अ मस्ट फूड जो होता है फूड जो होता है फूड के लिए एक अभी बीच में चल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में थी और इसमें पांच किलो अनाज फ्री मंथ में हम सबको प्रोवाइड कर रहे थे बेनिफिशियरीज को इसको हमने एक्सटेंड भी किया अप्रैल 2020 ट्वेंटी में आया था एक्सटेंड किया मल्टीपल टाइम्स बट अब बात आ रही है कि कितना एक्सटेंड करें या फिर जो ऑलरेडी एक स्कीम है एन एफ फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिसमें फ्री तो नहीं मिलता है बट पाँच किलो राइस या फिर दो तीन एक रुपये बहुत सस्ता ऐसा मिलता है तीन रुपए किलो चावल दो किलो वीट दो रुपये किलो वीट एक रुपये पर किलो सीरियल ये काफ़ी सस्ता मिलता है तो क्यों ना हम जो एन का जो स्कीम है उसी को पी के ए उसी में हम सब्ज्यूम कर दें तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे एन के ही अंदर तो उससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना हटेगी तो ऐसा शौक नहीं लगेगा अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास इतना बफर है इससे एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा तो एक कैलकुलेशन दिया है पंद्रह हजार सोलह हजार करोड़ रुपए का आएगा जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं प्लस हमारे पास बफर भी है स्ट्रेस भी आएगा रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो हुआ है वीट स्टॉक कम भी हुआ है वी कैन मैनेज ऐसा यहाँ पे ओवरऑल बात है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे कोविड नाइन्टीन का भी टाइम है वेलफेयर का भी टाइम है क्योंकि यू you नो know, आज की डेट में कोई भी कैपिटलिस्ट और प्योरली दिस कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट नहीं है एवरी एवरी जो इकोनॉमी है एवरी कंट्री है वो इन बिटवीन है मिडिल है तो वेलफेयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड तो द पॉइंट इज कि विदाउट दिस फूड किसी की डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए फूड सिक्योरिटी इज अ मस्ट यह है क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन अब सी क्रिप्टो में भी हमने बहुत सारी फैंसी चीजों को देखा बट सिंस डे वन हम मतलब आरबीआई क्या बोल रहा था आरबीआई बोल रहा था कि जो क्रिप्टो है ये हम अलाउ नहीं करेंगे नॉट ओनली आरबीआई बट जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी कहा था क्रिप्टो मतलब प्राइवेट क्रिप्टो बिकॉज दे आर लाइक देर आर डिफिकल्टीज ये वोलाटाइल है कई बार बिलियनर ट्विटर ट्वीट्स के थ्रू ये अप डाउन हो जाता है तो द पॉइंट इज इस कि इसमें वेयर इज इस द सेफ्टी जो गलीबल जो इन्वेस्टर है वेयर इज द सेफ्टी सो दैट इज वाई अवेयरनेस की बात है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न हो रहे हैं दिस एंड तो ऑलवेज भी वेरी वेरी केयरफुल अक्सर वहां पर फ्रॉड्स ज्यादा होते हैं सिमिलरली एग्जाम्स में भी ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं होता कि सो दिन इन एंड इन ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपको थॉरली स्टडी करना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट अपना सिंसियरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा और कॉम्पिटिशन को हेल्दी वे में देखना पड़ेगा हेल्दी वे में ओके सो बी वेरी केयरफुल ये फैंसी चीज़ें नहीं वर्क करती है नहीं वर्क करती है ओके okay, अब दिस माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली अब सी यहां बड़े डिटेल में बताया है कि माइग्रेंट वर्कर्स का वोट डालना क्यों जरूरी है बिकॉज इंडिया में अक्सर वर्क से रिलेटेड आप देखो बहुत सारे हैं जो बैंगलोर में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ से वर्क रिलेटेड टास्क सो वो वोट कैसे डाले वापस जाना मुश्किल है बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र गुजरात एटसेट्रा तो द पॉइंट इज ऐसा परसेंटेज बहुत ही थर्टी सेवन परसेंट पॉपुलेशन ये माइग्रेंट है और ये वोट नहीं डाल पा रहे हैं. तो हमारा वोटिंग पार्टिसिपेशन कम हो गया तो इलेक्शन कमीशन हमेशा चाहेगा वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़ाओ तो दैट इज वाई जो ईवीएम है वो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी ईवीएम बनाने की बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि आपसे अगर गुजरात में भी हो आप बिहार से बिलोंग करते हो वहां रजिस्टर्ड हो तो आप गुजरात में भी अपना वोट कास्ट कर पाओगे वहां की ईवीएम में ये फैसिलिटी होगी तो अब इससे डिफिकल्टी भी आ रही है कि क्या वैसे ही अक्सर ईवीएम पे सवाल उठते हैं तो क्या इस पे जो लाइक ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ दिस है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा अभी बहुत सारे इसमें ओपिनियंस व्यू पॉइंट आएंगे लेट इस वेट एंड वॉच 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला है जब इलेक्शन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशन देगा तब हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या डूज एंड डाउंट्स हैं और क्या फाइन 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 डिटेल्स हैं तो करंट अफेयर्स का एक लेसन और भी है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करो वरना इतनी डुप्लिसिटी होती है ना हर दिन बातें बदलती है जब चीजें सेटल हो जाए तब उस पर तब उस पर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सवाल तब आएगा जब वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है इवॉल्विंग न्यूज से कभी भी सवाल नहीं आता है तो लेट इस वेट मेंस में ज़रूर सवाल आ सकता है जिसमें आप एक रिफॉर्म्स का आइडिया दे सकते हो कि ये जो माइग्रेंट वर्कर है इनके लिए रिमोट वोटिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इससे परसेंटेज जो है वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ेगा अब दिस इज स्टेटस को दिस इज डिप्लोमेसी जीएसटी अब हाउस रेंटेड जो है प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज अब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा तो देखो जीएसटी भी बड़ा तेजी से इवॉल्व हो रहा है जीएसटी अब नहीं लगेगा जीएसटी यहाँ पे अभी एक जनवरी से यहाँ पे जीएसटी नहीं होगा तो कोई भी हाउसिंग यूनिट है प्रोपराइटर का है प्रोपराइटरी कंसर्न है अकोमोडेशन है वहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो यूज कर रहा है रेसिडेंस एटसेट्रा तो उसमें वो जीएसटी को नहीं देना पड़ेगा ओके okay. तो अभी कुछ और मैटर ऑफ टैक्स अभी बना हुआ है कि क्या इथाइल अल्कोहल जो है रिफाइनरी को दिया जा रहा है ब्लेंडिंग विद पेट्रोल उसमें जी लोवर करें देन जो हस्क है छिलका पल्स विद अट्रैक्ट नो टैक्स है फिर क्लैरिफाइड टैक्स न्यूट्रल स्टेटस भी बताए इन सब चीज़ों को हम जब हमारा एग्जाम आएगा एक क्विक कंपाइलेशन देख लेंगे कि उस दिन क्या चल रहा है जीएसटी का स्टेटस किस पे टैक्स है किस पे नहीं है तो फिलहाल बस ये हेडिंग याद रखना है हमें कि प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज अब देखो ये हेडिंग मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ द तो पर्पज इज कि आपने वीडियो देखा है अब ये आप रिवीजन के टाइम पर अगर इस पी को क्विकली गो थ्रू भी करोगे ना आपको याद आ जाएगा अच्छा प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज़ में जीएसटी नहीं लगता है लाइक like दैट तो, तो दैट इज़ वाई ये स्क्रीन शॉट इंपॉर्टेंट है अब मैन्यूफैक्चरिंग चाइना में कम हुआ है एंड ईसीबी मस्ट स्टॉप क्विक वेज ग्रोथ देन अनसोल्ड होम्स दिल्ली में इतने ज्यादा हो गए हैं देन लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है यूएस न्यूजीलैंड और ये हो गया स्पोर्ट्स तो ये हो गया स्पोर्ट्स और यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड कितनी ट्रेजडीज आई ट्रेजेडीज आई डिफिकल्टीज आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस आया एट्सेट्रा तो इस तरीके से न्यूज़पेपर कवर होता है और अब हम देखते हैं आंसर राइटिंग डिस्कशन इसमें भी आंसर राइटिंग में क्या होता है एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा फीडबैक की जरूरत नहीं होती है आप लिखो आप अगर खुद भी अपना आंसर दोबारा पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या कमी है क्या नहीं है द पॉइंट इज लिखना जरूरी है और यहां बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑल स्टूडेंट आर सो गुड राइटिंग सच आउंड अमेजिंग आंसर आप इसको शेयर करो यहाँ पे शेयर करो वर्क करो एक दूसरे की कॉपी से सीखो यू विल बहुत हेल्प मिलेगा आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रूटीन भी बनेगा तो दिस इज देयर अब जैसे सत्या ने लिखा हमें यहाँ दो सवाल थे कोविड नाइन्टीन पैंडमिक नहीं ये था ट्वेंटी सेवन्थ का दिस इज ट्वेंटी सेवेंथ हमको डिस्कस करना है ट्वेंटी एट्थ का तो ये ट्वेंटी एट्थ है ओके okay. ट्वेंटी एट यूजली वी फॉलो प्लस टू साइकिल कभी प्लस थ्री भी हो जाता है प्लस टू साइकिल वी ट्राई अब देखो ट्वेंटी एट के सवाल है यहाँ दो सवाल थे आधार सिस्टम पे एक नोट तैयार करना आप लिखना चालू करो आधार क्या होता है क्या पॉइंटर्स हैं कितने नंबर्स होते हैं किस मनी है, एक्ट के थ्री मनी बिल के थ्रू आया था क्या चैलेंजेस हैं क्या डिफ़िकल्टीज है आप इसको कंसोलिडेट करो फिफ्टीन मिनट्स में और ये आधार टॉपिक आपका हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा एजुकेशन कैन अलून एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया क्या शिक्षा ही शिक्षा वो भी बचपन से नर्सरी प्राइमरी स्कूल से किंडर गार्डन से हमें बच्चों को सही माइंड सेट सिखाना ज़रूरी है तो एजुकेशन कैन अलोन एंड जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया साइकोलॉजिकली शिक्षा ही भारत में क्या लैंगिक असमानता को समाप्त कर सकती है इसके अग्री में भी बोल सकते हो डिसग्री भी कर सकते हो कि हमें कंडीशनिंग एन अदर एस्पेक्ट्स को भी देखना है लाइक दैट सो दिस इज़ लाइक सब्जेक्टिव थिंग कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है आप अपना व्यू पॉइंट बताओ और उसको बैक भी करो सिलेबस के इन रहो अब जैसे शिवाक्षी ने लिखा सी सी दिस इज आधार सिस्टम अब देखो यहां लिखना हमने स्टार्ट किया सी दिस इज इंट्रो इज वेरी गुड कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी फाइनेंस एंड बजट दिस स्टाइल इज गुड यूजफुल क्या है चैलेंज क्या है वे फॉरवर्ड अब देखो इसमें थोड़ा और बिल्स एड करें क्या क्या इसमें पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं आधार को हम क्यों लेके आए थे टारगेटेड बेनिफिशरीज ऐसा थोड़ा और आइडियाज हम यहाँ पे दे आपको जो भी टॉपिक देखना होता है ना तो आप क्या किया करो उस टॉपिक को देखो आधार सिस्टम उसके साइड में यूपीएससी लिख दो और उसको गूगल सर्च कर लो आपको बहुत अच्छा वहां पे कंटेंट मिलेगा पढ़ो और उसको कंसोलिडेट कर लो आपके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो गए और साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग भी हो गया डिसिप्लिन भी हो गया सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन दीपाली दिस इज अगेन रियली गुड सी अब इस कॉपी को देखो कितना अच्छे से लिखा है ट्वेल्व डिजिट है यू है प्रोविजन क्या है ये सारे प्रोविजन है लीगल बैकिंग क्या है दिस इज एप्लीकेशन सी ये एप्लीकेशन ऑफ आधार हो गया सी ये सारे एप्लीकेशन लिखे चैलेंजेस क्या है सोल्यूशंस तो क्या होता है जब आप केवल वीडियो देखते हो ना तो रिटेंशन नहीं होता पढ़ते हो तो थोड़ा ज्यादा रिटेंशन होता है और जब लिख लेते हो तो रिटेंशन बहुत अच्छा होता है तो लिखना बहुत जरूरी है कामिल कामिल देखो कितना अच्छा आंसर अच्छा लिखता है डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे क्या है फिर आधार के मिनिस्ट्री की पीपल लॉन्च अब इसी से एक एमसीक्यू बन जाएगा और आप उसको सही कर देना तो दिस इज लाइक विन विन यूज ऑफ आधार बताया वेरी गुड कार्ड दैन दिस वेरी नाइस फिर एजुकेशन कैन अलोन जेंडर डिस्पैरिटी अब इसमें हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है असमानता ये गलत है जेंडर पैरिटी होना चाहिए जेंडर पैरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है जेंडर पैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वल पे इक्वल वेजेज लाइक दैट तो जेंडर डिस्पैरिटी है क्यों है हम क्या कर सकते हैं एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंट रिजिलियन सी सच अ स्ट्रक्चर्ड आंसर और कितने अच्छे यहाँ पे वैलिड पॉइंट्स बताए हैं वेरी गुड रिफॉर्म्स एटसेट्रा और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन भी लिखो इससे क्या होता है एब्रप्ट एंडिंग नहीं होती अमित प्रिपेयर अ नोट ऑन आधार सी यहाँ पे एक दो लाइन एक स्केल ले लो और ऐसे यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दो इससे और थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगी चीज़ें और मतलब हमको उसी के अंदर लिखना है वरना नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर मार्जिन के बाहर जाते हो तो आधार सिस्टम लिखा कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ अथॉरिटी ऑथोरिटी फिर आधार क्या है और आधार देखो कितना अच्छा कंपैरिजन है तो द आइडिया इज की आपके पास पूरा ओपन है फ्रीडम है आप चीजों को बेहतर करो दिमाग लगाओ कैसे और बेहतर हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है अपनी क्रिएटिविटी लाओ रत्ना प्रिया दिस इज गुड जेंडर इन अब देखो कितना अच्छा स्टाइल है फैक्टर्स क्या है वे कंक्लूजन क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस गवर्नमेंट वेरी नाइस नाइन पॉइंट्स एक्सलेंट देन रत्ना प्रिया ने यह भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है आधार क्या होता है सी सिग्निफिकेंस तो सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस आपको बहुत फायदा होगा रिफाइनमेंट आएगा एजुकेशन जेंडर डिस्पैरिटी सी रीजन क्या हैं देन दिस तो देखो प्रिलिम्स और मीन्स क्या कुछ अलग हुआ नहीं हुआ यहाँ जो आपने पढ़ा है इसी से प्रिलिम्स में एक सवाल भी आ जाएगा और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पे पिक करते हैं तो द आइडियाज़ ऐसा अलग नहीं होता प्रिलिम्स और मीन्स आप प्रिलिम्स लिखने वाले हो मे में आप आंसर राइटिंग भी साइमल्टेनियसली करो आधा घंटा डेली आप निकाल सकते हो टाइम देन शिवाक्षी दिस इज अगेन गुड जेंडर डिस्पैरिटी सी अब देखो बहुत सारे यहाँ पे सोशलॉजी के पॉइंट्स भी लिखे और गवर्नेंस अब देखो ये पैराग्राफ हमने लिखा अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं हेडिंग सब हेडिंग में तो रीडिंग थोड़ी बढ़ जाती तो पैराग्राफ हमें बहुत लेंदी नहीं बनाना है हमेशा चार पाँच छः लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए और पॉइंट्स में लिखना थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक लगता है शगुफ्ता दिस इज गुड सी वेरी नाइस जेंडर डिस्पैरिटी क्या होता है देखो कितने अच्छी कॉपी हो गई एंड योर लैंग्वेज प्रोफेशनसी इज ऑल्सो रियली गुड और जिस तरीके से आप एक पर्सनलाइज वे बताते हो जैसे टूडे ऐसा दिस इज अगेन गुड यूनिकनेस वेरी नाइस सी गुड पॉइंट वेल डन दंदनी दिस इज अगेन गुड सी स्टैचरी अथॉरिटी मैंडेट सारा डिटेल हमने कंपाइल कर लिया अब इससे में सवाल आ जाएगा सही हो जाएगा वो गुड वेरी नाइस चंदन दिस इज़ गुड सी आधार आधार क्या है अब सी दिस इज़ सो ऑर्गेनाइज टू द पॉइंट है आधार रीसेंट इश्यूज अब इससे क्या हो गया एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स का लेयर आ गया वंडरफुल अदिति दिस इज गुड सी अदिति का स्टाइल भी बहुत अच्छा है आधार क्या है सी ये पॉइंटर्स लिख दिए हमने सिग्निफिकेंस रीसेंट क्या चैलेंजेस है फेंटेस्टिक नंदनी दिस इज अगेन गुड अब सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक था कि एजुकेशन और जेंडर डिस्पैरिटी हमें बैक भी करना था कि एजुकेशन रिलेटेड हमने जैसे ये बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे आपका ना कंटेंट बहुत अच्छा है नंदनी जिस जो आपका थॉट प्रोसेस है ना दिस इज योर स्ट्रेंथ बहुत रेलिवेंट है विद इन सिलेबस है दिस इज गुड वंडरफुल सी डिस्पैरिटी स्कूलिंग सब टू द पॉइंट आंसर्स है टू द पॉइंट है वेरी गुड मारुति एजुकेशन एक बून है सारे बताया एजुकेशन बिकॉज हमारे को जागरूक बनाती है हमारा दिमाग ओपन होता है हमें चीज़ें पता चलती है हम इग्नोरेंट नहीं होते है. इग्नोरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स का एजुकेशन जेंडर डिस्पैरिटी वेरी गुड सी ये बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे आपने जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स बताया फैंटेस्टिक प्रियंका आप भी बहुत अच्छा आंसर अच्छा लिखते हो सी एजुकेशन सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन मतलब एग्जाम पास करना नहीं होता है एजुकेशन मतलब एक बेहतर इंसान बनना होता है ट्वेंटी वन ए दिस इज गुड वे फॉरवर्ड कोर्स फेंटेस्टिक तो देखो कितना आसान सी चीज़ है अब इसको हम डेली करेंगे तो सोचो कितना हम एफिशिएंट हो जाएंगे कितना हम एक्सपर्ट बन जाएंगे आंसर राइटिंग में और यही चीज चाहिए जब आप मेंस लिखने जाओगे तो ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ